सुप्रभातम् सर्वेषां मङ्गलमयं भवतु। अद्य अष्टमी श्रेण्यां कृते संस्कृत पद्यविभागस्य नीतिमञ्जरी विभागे स्वागतम्। अधुना षष्ठीश्लोकस्य आवृत्तिः करिष्यामः। गुणभज्जनसम्पर्कात् याति स्वल्पोऽपि गौरवम्, पुष्पमाल्यानुषङ्गेन तृणम् शिरसि धारयति। प्रथमरे आम सन्धि विच्छेद शिखिबा। गुणवद्युक्त जनसम्पर्कात्, गुणवज्जनसम्पर्कात्, स्वल्पः युक्त अपि स्वल्पोऽपि, पुष्पमाल्ययुक्त अनुषङ्गेण पुष्पमाल्यानुषङ्गेण। गुणिबा शब्दार्थको गुणवत् कहिले हेला गुणी व्यक्ति, जन कहिले हेला लोक, सम्पर्कात् कहिले सम्पर्क वा संसर्स्वरे आसिथिबारु, याति होइथाए, स्वल्प कहिले नीच, अपि कहिले मध्य, गौरवम गौरव, पुष्पमाल्य कहिले फूलमाल, अनुसंगण कहिले हेला सहित, तृणम कहिले हेला तृण वा लता, शिरसि कहिले हेला मुंडरी, धार्यते धारण करिथाए। अर्थात नीच जनः गुणिजनस्य संसर्गात् गौरवान्वितः भवति। अर्थात नीच व्यक्ति यदि गुणी व्यक्तिक सहित संसर्गस्वरे आसिथाए ताहिले से मध्य गौरव लाभ करिथाए। अर्थात ताकु कहिले नीच कहिबे नाही, से मध्य गुणी सहित जन गुणी व्यक्ति रे मान्यता प्राप्त करिब। तुच्छम अपि तृणम पुष्पमाल्य पुष्पमालया सह देवतायाः मस्तके स्थानं प्राप्नोति। अर्थात तुच्छम अपि तृणम जाके तुच्छडारे मध्य अर्थात बिना कारणरे मध्य तृण यदि फूलमाला सहित लाखि जाइथाए ताहिले से तृण मध्य भगवानंक तथा देवतांक मस्तकरे स्थान पाइथाए। तेणुकरि एठारे भाई भणी माने गुणी व्यक्ति सहित एठारे फूलमाला को तुलना करा जाइछि एवं नीच व्यक्ति को तृण सहित तुलना करा जाइछि। कहीं बुझीपारे जे गुणी व्यक्ति सब बेले सब से पूज्य होता तार सम्मान सर्वत्र थाए। गुणी व्यक्ति केवल कह अनिष्ट चिंता करना तार गुण अग्निरे कर्पूर पड़ला पर तार सौरभ चारिड़े महक जाए। किंतु नीच व्यक्ति कौन सी हिसाब से तार परिचय न थाए। सी यदि गुणी व्यक्ति सहित गुणी व्यक्ति संसस्वर यदि आसी थाए गुणी व्यक्तिर मान्यता दि जाए पाई थाए। जो तृण ठारे भगवान मस्तक सुहा पाता आमर षष्ठ श्लोकर अनुवाद व्याख्या एवं व्याकरण विभाग। आम जीवा पंचम सप्तम श्लोक को। पंचैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलं, देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च गुरो नतिथि पंचमान्। पंचैव पंचयुक्त एव पंचैव मनुष्यान् युक्त च मनुष्यांश्च गुरुन् युक्त अतिथि पंचमान्। गुरुन् युक्त अतिथि पंचमान् समा गुरुन् अतिथि पंचमान्। अर्थात संसारे पंच एव पूज्या भवन्ति। अर्थात संसारे यही पृथ्वी रे पांचटि व्यक्ति को ही पूजा करा जाए। ते देवाः पितृपुरुषाः सज्जनाः
गुरुजना अतिथय च सन्ति। सेमाने किए किए हेले ना देवता पितृपुरुषगण पितृपुरुष एठारे पितृपुरुष बोले कहवा जोड़ा के आमर पूर्वज जे मानकर आत्मा भगवान लीन हो जाए थाए से पितृपुरुष बोले कहुए अर्थात से धाम न था से पितृपुरुष सज्जना सज्जन व्यक्ति गुरुजना ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तिगण अतिथय अतिथय कहले अतिथि अतिथि कहले जार अतिथि बार न थाए जे कौन से सूचना न देखी घर को आसी थाए ताकू आम अतिथि बोली कही था अर्थात कौन से सूचना न देखी आकस्मिक भाव घरे पहुँची व्यक्ति को अतिथि बोली कहे अतिथि देव भव अतिथि को देवता बोली मान्यता दि जाए अतए भाई भाई मैंने यार देखा ए गुरु यठा जो अच्छे ज्येष्ठ श्रेष्ठ माँ बापा शाशु श्वशुर यहठार गुरुजन व्यक्ति हेले पुणे पितृपुरुष जे मैंने कि जे मानकर शरीर अर्जमा रूपे ये दुईटी शब्द केवले द्वंद्व पड़े ना आम या भल भाव बुझा जे देवता क्या देवता कह जाए पितृपुरुष क्या कह जाए सज्जन व्यक्ति किए गुरुजन का कह अतिथि किए या भल भाव आम हृदयंगम करवा आम देखा क्या क्या यही संसार रे पूजा कराई थाए बाकी मैंने पूजार योग्य अटंती बर्तमान देखा पंचईव पूजा जान लोके ये सह प्राप्नौती केवल अर्थात जो मैंने पांचट व्यक्ति को पूजा कर व्यक्ति केवल जश ही प्राप्त करें किए देवता देवान पितृन देवता पितृपुरुषगण मनुष्यांश मनुष्यान युक्त च मनुष्य मानुष मान मनुष्यान युक्त च मनुष्यांश एटारे मानुष कहले आम क्या कह मानुष कहले सज्जन व्यक्ति गुरुन अतिथि अतिथि वंचमान गुरुन कहले गुरुजन व्यक्ति अतिथि यही पांच व्यक्ति को पूजा कर जे पूजा करे तार जश ही जश प्राप्त होता है अर्थात निजर सम्मान निजर हाथ रे इमाने के बेले पांचटे व्यक्ति नाम ठारे लिपिबद्ध हो यदि किसी पूजा करा जाए इमानकर आतिथ्य नि जाए ताहले प्रकृत रे तार भविष्य उज्ज्वल ही उज्ज्वल होता है देवता मैंने आठे नहांते केवल यही मानी ही देवता रही आम जाना हेमंत दिए अच्छी कहीं हस्त प्रसारे माई खाई ये देवता कड़े अच्छा जो देवता कि हस्त प्रसारे आमको मागिकिना खाऊ अर्थात मत भोक लगला मुझी मोर ये असुविधा है ये देवता आम आड़े देखा पाइबा सी हूँ देवता जोठार जीव अच्छे सेठार शिव शिव मध्य अच्छा भगवान शिवशंकर अच्छा अर्थात जी सजीव सीए संपूर्ण रूपे भगवान अवतार ताहले भाई भाई मैंने आम यही श्लोक रु जहाँ शिखिले आम कार्य परिणत करवा ये भाव में आम ताक हृदयंगम करवा जीवन रे
केवेले दुख कष्ट आसी पारना आम जानी जे भगवान एभली एक व्यक्ति जे कि ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वविराजिता प्रभु नोव्हेयर नाउ हियर केवल मात्र देखिबा जे एन ओ डब्ल्यू एच ई आर ई केवल यही सतट अक्षर यही सतट अक्षर को आम यदि भाग करवा आम दिट्स अर्थ पाई नाउ हियर अर्थात वर्तमान ठारे भगवान अच्छा नोव्हेयर क्योंठारे से नहांती अर्थात मानिले पथर मानिले ठाकुर न मानिले पथर निजर सम्मान निज हाथ में भाई भाई मैंने के आम नास्तिक को जीवाना नास्तिक मूर्ख उच्चते नास्तिक हूँ मूर्ख जी नास्तिक ताको मूर्ख बोली कहे आम सब बेले बी पॉजिटिव हवा के कहारे अमंगल चिंता करवा ना आम अष्टम श्रेणी में केवल सतट श्लोक पढ़ीचे ये सतट श्लोक को आम सप्त ऋषि भाया हृदयंगम कर निजर जीवन या पाथेय मन करवा या बारंबार बारंबार पढ़वा जो भाई निज कार्य प्रयोग हो पार से आम यहाँ प्रयोग करवा यार शब्दार्थ सन्धि विच्छेद बारंबार पढ़वा जहाँ सब कहटा ही यूर ही प्रश्न आसव जहाँकि सन्धि सन्धि विच्छेद शब्दार्थ अनुवाद प्रश्न वाक्य गठन ये गुड़िक आसव यू संतुलित पढ़ले संपूर्ण रूपे हमें सफल होगा धन्यवाद।